इंटरव्यू फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन एंड डाउट्स हाउ शड आई प्रीपेयर फोर अ इंटरव्यू पार्ट टू फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने इसका पार्ट वन दिखा था जिसमें हमने फाइव पॉइंट्स कवर किए थे अबाउट मतलब अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो आपने पढ़ाई कर ली बट बहुत सारे अच्छे से प्रिपेरेशन भी कर ली बट कुछ चीज़ें अभी भी अधूरी हैं दैट इज की स्किल्स की स्किल्स यानी कि मतलब की पॉइंट्स को आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉटेंस रखने वाली है आपके इंटरव्यू में सो so, पढ़ाई के साथ साथ आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा तो पांच चीज़ें हमने कवर की थी लास्ट वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो तो पार्ट टू के साथ में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं जो कि है ड्रेस अप्रोप्रिएटली लास्ट पॉइंट हमने क्या देखी थी प्रिपेयर एग्जाम्पल्स एंड स्टोरीज यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था अब हम कंटिन्यू करेंगे फ्राम ड्रेस अप्रोप्रिएटली अब पता आपको आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली आपने सारे अच्छे से आंसर प्रिपेयर कर ली सब कुछ कर लिया और आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल इंसान हो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छे हो पढ़ाई में या फिर आंसर्स में बट देर इज़ वन थिंग जो कि है ड्रेस अगर आपका प्रोफेशनल अड्डा है या फिर ड्रेस कोड अच्छा नहीं होता है तो कंपनी कैन रिजेक्ट यू कैन हाँ मतलब ज़रूरी नहीं कि रिजेक्ट करें बट देर इज़ अ चांसेस कि वो आपको रिजेक्ट कर दे जस्ट फॉर योर ड्रेस कोड सो फ्रेंड्स बिफोर बिफोर गोइंग टू एनी इंटरव्यू यू शुड वेयर और यू शुड प्रिपेयर अ प्रोफेशनल अटायर दैट इज़ सूटेबल फॉर द कंपनी कल्चर ठीक है और उसके बाद में इट्स जनरली बेटर टू बी स्लाइटली ओवर ड्रेस्ड देन अंडर ड्रेस्ड हाँ अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना तो ये मत सोचो कि यार कुछ ज़्यादा ओवर ड्रेसड मतलब ओवर ड्रेस मतलब ओवर मत करो बट प्रोफेशनली अगर ओवर है थोड़ा सा इट्स ओके बट इन मतलब इंस्टेड ऑफ़ अंडर ड्रेस्ट कि आप छोड़ो ना इतना ज़्यादा ओवर नहीं करना थोड़ा सा ऐसे ठीक है नहीं थोड़ा सा रखो थोड़ा प्रॉपर प्रोफेशनली आप उस ड्रेस रहो थोड़ा फॉर्मल रहो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अ गुड इंप्रेशन ठीक है एंड पे अटेंशन टू योर पर्सनल ग्रूमिंग एंड एनश्योर यू लुक पॉलिस्ट एंड प्रेजेंटेबल आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो आप जब वहाँ पे रोज़ के एम्प्लॉय जाओगे ना दैन लाइक इतना ज़्यादा वो नहीं होगा लेकिन भाई जो पहला लाइक फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन ये चीज़ को आप जानते ही हो तो इस चीज़ पे थोड़ा सा अटेंशन डालो और अपने पर्सनल ग्रूमिंग पर और अपने मतलब ये ध्यान रखो कि आपका जो लुक है वो प्रॉपर प्रजेंटेबल दिख रहा हो ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ब्रिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भाई दिस इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट आई वुड से मतलब आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया आपने ड्रेसडअप भी कर लिया और आप इंटरव्यू के लिए पहुँच भी जाते हो बट अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो दिस कैन बी काउंट इन लाइक केयरलेस में आपको काउंट किया जा सकता है, है ना मतलब आप खुद भी सोचोगे कि यार कैसे भूल गया मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे भूल गया है ना तो इसलिए गैदर ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जस्ट सॉ कॉपीज ऑफ योर रेज्यूम है रेफरेंस लेटर सर्टिफिकेशंस एंड आइडेंटिफिकेशंस ठीक है और उनको प्रॉपर मतलब चाहिए तो एक दिन पहले ही कर लो ये सारी चीज़ें बट कर लो ठीक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और प्लेज दिन अ नीट फोल्डर ऐसा नहीं कि आपने ठीक है कौन से भी फोल्डर फटाफट फटाफट से भर लिया और बस हो गया खत्म ऐसे नहीं प्रॉपर वे में उसको रखो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में रखो सारी चीज़ों को मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट प्रैक्टिस गुड बॉडी लैंग्वेज देखो एक बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई इंटरव्यू के लिए जाते हो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है आप अगर आंसर बहुत अच्छा कर रहे हो बट अगर आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है अप्रोप्रिएट नहीं है एंड गेस्टों से आपके तो इंटरव्यू को लगेगा यार यू आर नॉट कॉन्फिडेंट यू हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर आप नर्वस हो ये सारी चीज़ें लगती है तो इसलिए आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है फॉर अ गुड बॉडी लैंग्वेज लाइक मेनटेन गुड आई कॉन्टैक्ट दैट डजेंट मीन कि आप इंटरव्यूअर को घूरते रहें आपको घूरना नहीं है आपको एक प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट बनाना है या फिर ना कि आपको ऐसे कहीं और देखना है यहाँ देख लिया वहाँ देख लिया नहीं आपको एक प्रॉपर गुड आई कॉन्टैक्ट बनाना है उनके साथ में फिर सेट अप राइट प्रॉपरली बैठो ऐसे नहीं कि आप लोज़ एकदम बैठ गए हो आपको आ, मतलब कि एकदम ढीले ढाले बैठे हो नहीं आपको प्रॉपर बैठना है यूज़ अप्रोप्रिएट हैंड गेस्टचर्स प्रॉपर हैंड गेस्टर्स का यूज़ करो तो ये सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना है और प्रॉपर आपको ये दिखाना है कि आप नर्वस नहीं हो आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है यू आर कॉन्फिडेंट इन आवर फॉर दिस इंटरव्यू ये सारी चीज़ें कन्वे होती है विद अ गुड बॉडी लैंग्वेज ठीक है सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट प्रिपेर थाटफुल क्वेश्चन आपको अगर आप अगर फर्स्ट इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको पता नहीं होगा बट देर इज़ वन थिंग कि आपके क्वेश्चन मतलब जब वो आप उससे सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वो आपको लास्ट में भी पूछते हैं मतलब समटाइम्स इंटरव्यूअर आस्क कि भाई तुम्हारे कोई क्वेश्चन हैं क्या बताओ मुझे ऐसे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पूछ लो कुछ भी मतलब यहाँ वहाँ की पूछ लो नहीं आपको एक प्रॉपर लिस्ट ऑफ थाटफुल क्वेश्चन आपको बनाने हैं जो आपको पूछना है इंटरव्यूअर को ऐसा भी नहीं बोलना है कि नहीं नहीं कोई क्वेश्चन नहीं आई एम लाइक हैप्पी नफ ऐसा कुछ नहीं करना है यू हैव यू शुड आस्क यू हैव टू आस्क है ना दस शोज़ कि आप मतलब एक्टिव हो आप भी कुछ जानना चाहते हो कंपनी के बारे में या फिर आपके भी कुछ क्वेश्चन हैं आपका भी इंटरेस्ट है ठीक है तो आपको क्वेश्चन पूछने हैं और क्वेश्चन कैसे पूछने हैं लाइक like, पूछो उनसे लाइक like, और भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो एक थॉटफुल क्वेश्चंस बट आई एम लाइक एक एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस होने चाहिए द यू कैन आस्क अबाउट दी कंपनीज़ फ्यूचर प्लान फिर उसके बाद में उनके टीम डायनमिक्स के बारे में पूछो और एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट यू वुड बी इन्वॉल्व इन ये सारी चीज़ों के बारे में आप पूछ सकते हो इंटरव्यूअर को या फिर इंटरव्यूअर्स से पूछ सकते हो है ना सो सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिसर्च दी इंटरव्यू लॉजिस्टिक्स इंटरव्यू देना तो है प्रिपरेशन भी कर ली है बाइनरी डिकोडर की वीडियोस भी देख ली है बट अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपका इंटरव्यू का एग्जैक्ट टाइम क्या है डेट क्या है और लोकेशन क्या है अगर आपको ये पता ही नहीं है और वेदर इट्स वर्चुअल इंटरव्यू और ऑफलाइन इंटरव्यू ये सारी चीज़ें अगर आपको पता ही नहीं हैं तो वेरी बैड मतलब आपको फिर बहुत ही मतलब ये एक अच्छा बहुत ही नेगेटिव साइड है है ना आपको पता नहीं है तो इसलिए मेक श्योर यू नो द एग्जैक्ट टाइम डेट लोकेशन ऑफ द इंटरव्यू एंड इफ़ इट्स अ वर्चुअल इंटरव्यू अगर वर्चुअल है तो फेमिलराइज फेमिलराइज़ योर सेल्फ विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म अब यह कैसे करें ख़ुद को कैसे फेमिलराइज करें मतलब अब अभी के टाइम आप देखोगे तो मोस्टली इंटरव्यूज ऑनलाइन भी हो रहे हैं वर्चुअल हो रहे हैं तो कैसे आप उस चीज़ को फेमिलराइज कर सकते हो तो देर इज़ वन सिंपल वे ट्राई टेल योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स टू कनेक्ट विथ यू ऑन देट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म और उस पर आप ख़ुद को कम्फर्टेबल करने का ट्राई करो और ट्राई करो और देखो कि आप जब कैमरा ऑन कर रहे हो तो आपके आजू बाजू की कितनी चीज़ें विजिबल है आप कितने विजिबल हो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन को प्रॉपरली स्टेबल उस टाइम पर हो ये चीज़ को ध्यान रखनी है ठीक है क्या सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल अबाउट द लाइक like इंटरव्यू के फ्रीकवेंटली आज क्वेश्चन के बारे में सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इफ़ यू एस लेक मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय